एनपीएल चल रहा है जोरों शोरों से टूर्नामेंट। अब आने वाला है एक और प्लेयर जिसका होगा NGS4X के साथ मैच। भाई ये प्लेयर भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो चलिए इसको बुलाते हैं कि आज ये हमारा हार्ट ब्रेक करने वाला है या फिर क्या होगा इस मैच के अंदर। चलिए लेट्स इनवाइट THX इनसेन। हेलो ब्रो। हाँ ब्रो, बोलो कैसे हो? बढ़िया दोस्त, आप बताओ क्या हाल है? मैं बढ़िया, आप बताओ? बस ऑल गुड दोस्त। और तैयार NPL के लिए? जरूर जरूर, देखते हैं क्या होगा। H4X के साथ है मैच। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे मैच भी हो चुके हैं उसके साथ, तुमने बताया था हमें। NPL में मेरा रिवेंज लेना था मेरे को। रिवेंज लेना था। तो तुम पहली बार मेरे ख्याल से NPL में आए हो, एक आध बार और आ चुके हो? ना ना ना, मेरे को फर्स्ट चांस मिला, ये मेरा पहला चांस है। चलो देखते हैं, पहला ही चांस और पहला ही मैच बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि H4X बहुत तगड़ा गेम प्ले के साथ पिछले सीजन में एंग्री को ऑलमोस्ट भारी कर दिया था। हाँ, पिछली बार में उसने बहुत गंदा कमबैक किया था मेरे सामने। तो दोस्त कहाँ से उनसे भाई आप? मैं एक्चुअली हूँ तो बिहार से, 10 साल से मैं सूरत में रह रहा हूँ। गुजरात से रह रहे हो? गुजरात में हो, बिहार से? ओके, तो क्या करते हो भाई आप? मैं एक्चुअली तो JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके साथ गेम भी। हाँ मतलब 4 दिन में एक बार टाइम मिल जाता है तो खेल लेता हूँ। अरे रे रे रे, कितनी साल के हो वैसे आप इंसान भाई? मैं अभी 18 रनिंग है। 18 रनिंग है, ओके। तो फोन कौन सा है तुम्हारे पास इंसान भाई? IQ7 लेजेंड है ये। इसका प्रोसेसर वगैरह क्या है IQ7 लेजेंड का? स्नैपड्रैगन 888 है और 12 GB रैम प्लस 4 एक्सटेंडेबल है। ओके ओके, अच्छा हाँ, ये वाला फोन है भाई का। हाँ चलो ठीक, क्वालकॉम वगैरह स्नैपड्रैगन सब कुछ तगड़ा है, यानी तुम्हारा गेम पावरफुल होने वाला है इस प्रोसेसर हर चीज के साथ। जरूर जरूर, एक साल से एक ही सेंसर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब, एक साल से एक ही चीज पे, तो कितनी फिंगर से खेल लेते हो इंसान भाई? 4 फिंगर प्लेयर हो? अरे बाप रे, DPI वगैरह कितनी यूज कर रहे हो? DPI हाई DPI प्लेयर हूँ, बता दूं। अच्छा हाई DPI 796। और मैक्स कितनी लेके गए अब तक DPI को हाई? नहीं यही है, इसी पे मैं खेल रहा हूँ एक साल से। दिन में कितना घंटा गेम खेल लेते हो बॉस? दिन में तो नहीं पता, 2-3 दिन में 1-2 घंटा। अरे भाई साहब, मतलब बहुत कम गेम खेलते हो और उसमें इम्पैक्ट छोड़ना जानते हो हैं, जितना भी खेलते हो मन से खेलते हो। हाँ जरूर। तो स्टाइलो भाई चौक गए थे लाइक। अच्छा उनका जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें क्या रहा था, मतलब जीते थे? कहाँ तक पहुँचे थे आप? 2 टूर्नामेंट खेला हूँ SPL का अभी तक, सेमीफाइनल तक पहुँच गया था मैं, उससे एंग्री से हार गया था। अच्छा SPL 3 में मैं पहुँच गया था तो भी मेरा एक एक्स्ट्रा मैच हुआ, तो भी एंग्री से ही हुआ था वो भी, लेकिन उसमें जीत गया था मैं, उसमें मैं रिवेंज ले लिया था। पहला मैच आज तुम्हारा H4X से होने वाला है, तो कैसा गेम है तुम्हारा? एक्यूरेसी वाला, मूवमेंट वाला? मैंने आज तक देखा नहीं कभी। मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी, ओके। सामने वाले पे डिपेंड करता है मैं जैसे खेलूंगा, मूवमेंट के साथ भी और एक्यूरेसी भी। ओके ओके, तो मेरे को अपने चैनल के लिंक वगैरह सब कुछ बता देना, जैसा भी हम चेकआउट कर लेंगे तुम्हारा चैनल। हाँ जरूर। अरे मैं पिछला वाला चैनल डेड हो गया था तो मैंने नया चैनल खोला है, तो आप उसका सपोर्ट कर देना गाइस। ठीक है, किसने एक और बैक टू बैक दो? अरे रे, बैक टू बैक 1v4 खेल रहा है भाई। अरे तो गाइस ये लड़का खेलने वाला आज NPL में अगेंस्ट में H4X, तो आप सोच सकते हो उससे सामने कितना कॉम्पिटिशन रहेगा जब सामने ये बंदा रहने वाला है। तो वो बहुत तगड़ी एक्यूरेसी भाई की, 1v4 इजी पीजी निकालना जानता है और अच्छे अच्छे बंदों को भी डिफीट करना जानता है। अरे रे रे रे, अच्छा एंग्री के अगेंस्ट में भी आ गया रे भाई। अच्छा एंग्री से बैटल भाई, 4v4 है और 5v4 से एंग्री से लीड में भाई साहब, तगड़ा गेम है लड़के का इससे आप अंदाजा। और रे भाई स्टाइलो तो पागल हो गया इसका गेम देख के, क्या आज हम सबको भी ये पागल कर देगा भाई। अरे भाई ग्रांट को भी दे दिया रे 3-1 से। अरे रे भाई, तगड़ा गेम प्ले लड़के का, मानने पड़ेगी ये बात। बेहतरीन प्लेयर मिला है आज NPL के लिए हमें, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। अरे रे रे रे, एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल है, स्पीड के साथ सीधा फट का हेडशॉट का। अरे नहीं, अरे रे बचे। अरे गजब खतरनाक गेम है गाइस, मजा आने वाला है इसका पूरे गेम में आज। अरे रे रे रे, खत्म। वाओ इनसेन द THX। अरे रे, मेरे ख्याल से THX का बेस्ट प्लेयरों में से एक ये प्लेयर आज रहने वाला है, जो NG के बेस्ट प्लेयर से बढ़ेगा H4X से, जिसकी एक्यूरेसी को हम सब जानते हैं एंग्री के अगेंस्ट में उसने क्या किया था भाई। मूवमेंट एक्यूरेसी पर सब कुछ परफेक्ट लड़के की, पर पता चलेगा इन गेम कैसा खेलेगा। 1v4, 1v2, 1v1 हर कुछ करना चाहता है भाई, 1v6 भी। तो ही हैव टैलेंट गाइस, देखते हैं आज कैसा दिन है। ओह वो 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 भाई, रुक जा भाई, बस कर मत कर, चल भाई बहुत हो गया।
तो दोस्त हाँ। ये बताओ गन कौन कौन सी चलाते हो तुम? मैं शॉटगन डेजर्ट। शॉटगन डेजर्ट फेवरेट गन, फेवरेट गन डेजर्ट डेजर्ट, यानी मचाने के लिए हो तैयार। चले फिर सीधा H4X को बुला के मैच की ओर। हाँ चलो चलो चलो। तो H4X को बुला लिया, इधर से इंसेन को बुला लिया। इंसेन है गाइस THX से और H4X है NG से। जी H4X मतलब THX इंसेन के बीच में, H4X के सामने इंसेन है। देखते हैं 1v1 की फाइट कैसी रहेगी। H4X ओपी यहाँ पे तैयार, अंदर की तरफ जा रहे हैं इंसेन, इधर की तरफ। सब प्लेयर दो दो शॉट चलानी प्रेफर करते हुए यहाँ पे। इंसेन तैयार यहाँ पे दो शॉट के साथ, H4X भी। पहला राउंड यहाँ पे दूसरे मैच का NPL सीजन 4 का, और देखते हैं। और रे भाई तो खत्म ही कर दिया बंदे को। देखते हैं इंसेन भाई क्या करेंगे यहाँ पे H4X के सामने। लेट्स सी, बेहतरीन है मैच। दूसरा राउंड यहाँ पे H4X 1-0 कर चुके हैं। इंसेन यहाँ पे एक और राउंड निकालते हुए नजर आएंगे। देखते हैं इंसेन भाई क्या करने वाले हैं यहाँ पे। और बताया इंसेन भाई ने कि इनका मैच सेमीफाइनल के टूर्नामेंट में होता है H4X भाई से, और आज उसी चीज का रिवेंज कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा होगा। और ये फटका और ये झटका, इंसेन का था झटका और H4X का था फटका। और स्कोर देखिए 2-0। इंसेन भाई खत्म करने के इरादे से आएंगे इस बार, क्योंकि 2-0 है। और बच गए भाई साहब इंसेन। अरे क्या बात है, इंसेन का एक इंसेन हेडशॉट। तीसरे ही राउंड में कमबैक के बटन को दबा दिया इंसेन ने। यहाँ पे कहीं ना कहीं 3-1 करना चाहेंगे। और इंसेन भाई यहाँ पे 2-2 करना चाहेंगे इंसेन का, तो स्कोर ये रहेगा। और देखते हैं यहाँ पे फैक्ट्री की फाइट ग्लू वॉल के अंदर। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ छोड़ दिया गया एक दूसरे को, और रूल में कहीं नहीं लिखा है ग्लू वॉल के अंदर छोड़ा, कुछ करो इट्स योर चॉइस। और देखते हैं H4X भाई। ओ माय गॉड, इंसेन यहाँ पे लगातार शॉट ले रहे हैं, पर 30 की हेल्थ बच गई है भाई, 30 की हेल्थ बच गई है गाइस। 1000 लाइक अब तक नहीं हुई है, तो जल्दी जल्दी 1000 लाइक करते हैं यार। लाइक करो जल्दी जल्दी, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और देखते हैं चौथा राउंड क्या कहलाने वाला है, वाला राउंड। लेट्स सी, H4X भाई तैयार यहाँ पे इंसेन के सामने। क्या होगा इस मुकाबले में इस बार। H4X दो शॉट के साथ यहाँ पे। ओ भाई साहब लीजिए एक और हेड H4X। चलो भैया देखते हैं यहाँ पे पांचवा राउंड। इंसेन तैयार यहाँ पे, दो शॉट है इंसेन पे और कमबैक की राह पे है इंसेन भाई यहाँ पे। देखते हैं H4X मतलब इंसेन की इस फाइट में क्या होने वाला है यहाँ पे। फिफ्थ राउंड यहाँ पे इंसेन को कमबैक करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे इनके हाथों से ये मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है। कैंसेन और भाई वुड पीकर का झटका, हाथ में दो शॉट देखा और वुड पीकर से पलट के मार दिया। ये तो दो शॉट के साथ आ गए यहाँ पे, और वुड पीकर हाथों मार ये फटका हेडशॉट। अरे यार प्रॉपर लाल नहीं आ रहा इंसेन, प्रॉपर लाल आता तो बंदा खत्म हो जाता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक और बॉल लगातार ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और हेडशॉट्स रूठे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। देखते क्या कहलाएगा छठा राउंड यहाँ पे। ओहो लंबी फाइट यहाँ पे, छठा राउंड यहाँ पे। देखते क्या होने वाला है इस राउंड में यहाँ पे। H4X के कोटी का लगा सकते हैं यहाँ पे हेडशॉट का। ओ अच्छा, ये फाइट इतनी लंबी कैसे हो गई? स्टार्टिंग में तो एक एक सेकंड में हेडशॉट आ रहे थे, पर अब फाइट बहुत लंबी हो गई है। क्या मैं पहला इलिमिनेट दिखेगा इस टूर्नामेंट का? ओ माय गॉड, बॉडी के साथ स्कोर ही 3-3 हो गया है, बराबर का ये मैच चलता हुआ है यहाँ पे। देखते हैं क्या होगा इस राउंड में यहाँ पे। सातवां राउंड है यहाँ पे कहीं ना कहीं, सातवां राउंड। इंसेन तैयार, H4X के सामने इंसेन है। 3-3 स्कोर यहाँ पे, कौन अब लीड में आएगा? और ये लीजिए इंसेन, इंसेन हेडशॉट्स लगातार, एक नहीं दो नहीं तीन तीन राउंड लगातार इनके हाथों में आ गए हैं। बड़वाई सीजन 4 का विनर आ गया। ओहो देखते हैं पर यहाँ पे विनर कौन बनेगा यहाँ पे। चौथे राउंड में H4X को निकालना पड़ेगा, वरना इंसेन धीरे धीरे दूर जाते हुए और NG H4X क्या भार होंगे। पहले ही NG के प्लेयर का क्या दिल टूटेगा, या फिर THX इंसेन पहले प्लेयर बनेंगे क्वालिफाई करने के लिए एक और हेड यहाँ पे। 5-3 करना चाहेंगे इंसेन, और ये बच गए यहाँ पे। ये मैच कहीं ना कहीं रोमांच से भरपूर होता हुआ
देखते क्या होने वाला इस राउंड में। और ये पे कॉल लाल H4X लग रहा है टूर्नामेंट से अलविदा कहने वाले। नॉकआउट इनसेन देखते हैं यहाँ पे H4X के सामने 5-3 यहाँ पे क्या होने वाला है इस बार, कैसा ये बैटल रहेगा यहाँ पे। ओ ओ ओ लगातार ट्राई रहेगी यहाँ पे, देखते हैं H4X क्या करने वाले इस राउंड में इस बार। भाई साहब इनसेन क्या गेम प्ले कर रहा है यहाँ पे, 6-3 करने वाला और हमारे H4X भाई के यहाँ पे बाहर होने वाले हैं पहला ही। ओ भाई नहीं, ये इनसेन इनसेन पारी खेलते हुए, स्कोर तो देखो 6-3 हो गया। सब एक राउंड का मौका है H4X के पास पर इनसेन ने लगातार 4-5 राउंड निकाले भाई, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4-5 राउंड भाई। और ये हेडशॉट लगा H4X का कि फाइनली एक कमबैक देखने को मिल सकता है, छोटा बहुत छोटा ही देखने को मिले, पर मिले तो सही, उम्मीदें तो जागे कम से कम हमारी H4X के साथ पर इनसेन क्या खेला ये लड़का यार। और नहीं, फाइनल कॉल की ओर बढ़ते हुए हम यहां पे और एक शॉट लिया यहां पे, 60 की हेल्थ है, इनसेन को हील करना चाहिए मेरे ख्याल से, अभी टाइम है नहीं, नहीं अब टाइम ही नहीं बचा है। और ये लग रहा है H4X भाई जीत जाएंगे और हेडशॉट और वही हुआ, H4X भाई जीत गए भाई। नहीं यार ये क्या हो रहा है यार, ऐसा क्यों होता है एनजी के प्लेयर्स पर हर बार ये कयामत आती है। पिछले टूर्नामेंट में भी आधे एनजी के प्लेयर बाहर हो गए थे पहले ही राउंड में, क्या इस बार फिर से देखने को मिलेगा हमें कि पहला ही मैच एनजी H4X का रो टूर्नामेंट से आउट ऑफ। अरे रे हेल्थ लो है, बॉडी लगी है काफी, इंसेन को हील करना पड़ेगा। कमबैक H4X देखते हैं गाइस क्या कमबैक हो गया फिर, नहीं क्या यहाँ पे कमबैक देखने को मिलेगा इंसेन का H4X के सामने। लेट्स सी 11th राउंड H4X राइट से निकलेंगे, इंसेन तैयार यहाँ पे, इंसेन को एक मौका चाहिए हेडशॉट के लिए बस और जीत जाएंगे मैच। और H4X को लगातार 3 राउंड निकालने पड़ेंगे पर देखते हैं क्या उतनी काबिलियत पेश कर सकते हैं यहाँ पे प्लेयर्स। और नहीं फिनिश 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 और इंसेन क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड।